आज प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है अपना वो एक नया टॉपिक है। शनि सबसे सुंदर ग्रह, ये आज का अपना इस नई क्लास में एक नया टॉपिक जो आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके लेखक गुणाकार मूल है जो कि दक्षिण भारतीय है, गुणाकार मूल है जो कि एक दक्षिण भारतीय कवि है। इनकी ज्यादातर जो रचनाएं हैं, इनकी जो भाषा के ऊपर जो पकड़ है वो संस्कृत भाषा से है ये, लेकिन हिंदी भाषा के ऊपर भी इनका प्रभाव और इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। आज हम इनके द्वारा रचित शनि सबसे सुंदर ग्रह के बारे में इनके जो विचार हैं, इनके जो चिंतन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और ये अपने चिंतन के द्वारा हमें क्या इस ग्रह के बारे में बतलाते हैं, ये सभी हम हमारी पाठ्य पुस्तिका में प्रस्तुत जो बात है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है, कई बार मुझसे पूछा जाता है इसका, हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनना और करना है। सबसे पहले हम लेखक के बारे में पढ़ देते हैं। लेखक जो है गुणाकार मूल है और ये जो रचना है ये निबंध शैली में, कौन सी शैली में है, निबंध शैली के अंदर है। इनकी प्रमुख रचनाएं पहले जन्म देख लेते हैं, इनका जन्म जो है 1937 में हुआ था और मृत्यु जो है वो 2002 में, महाराष्ट्र में जन्मे थे, दक्षिण भारतीय कवि है ये। प्रमुख रचनाएं इनकी अंक कथा, आकाश दर्शन, आर्यभट्ट, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक और नक्षत्र, वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन ये रचनाएं अपने को याद रखनी जरूरी है। अब एक जो लाइन लिखी है मैंने उसके ऊपर गौर कीजिए आप कि इस निबंध में मुनि जी की वैज्ञानिक सोच को प्रदर्शित करता है। ये जो प्रस्तुत निबंध जो है वो मुनि जी की वैज्ञानिक सोच क्या है उस सोच को उन्होंने प्रदर्शित किया है, ठीक है, क्योंकि ये तो टॉपिक जो है विज्ञान से संबंधित है ना। उसके बाद में कवि ने या हमारी धारणाओं में या ज्योतिष के अनुसार कवि यहाँ पर ये बतलाता है कि इस ग्रह को अशुभ माना जाता है, ये सब हमें पता है। दूसरी बात, मूले जी इस निबंध के द्वारा इस ग्रह के प्रति जो अंधविश्वास है, जो धारणाएं हैं गलत, उन धारणाओं को भी इनका धारणाओं का भी मूले जी ने खंडन किया, ठीक है, आगे बात समझ लें। मतलब मूले जी ने जो हमारे शनि के प्रति जो धारणाएं बनी हुई है, जो विचार बने हुए हैं, उसका भी इन्होंने क्या किया है, खंडन किया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से शनि जो ग्रह है वो व्यक्तियों में अंधविश्वास का एक कारण बन जाता है, जबकि कवि यहां पर यह कहना चाहता है कि यह तो सबसे सुंदर ग्रह है। इसकी जब दशा चलती है तो व्यक्ति का विकास कहते हैं या व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो जाता है, जबकि दूसरे जो लोग हैं जो इसके बारे में
धारणाएं गलत होता है कि इसकी जब 7.5 चलती है तो मनुष्य का विनाश होना शुरू हो जाता है। और साथ ही यह जो ग्रह जिस राशि के अंदर चलता है या किसी दूसरे ग्रहों के आसपास रहता है तो उन ग्रहों की दशा भी बदल देता है, लेकिन कभी इस चीज को नहीं मानता है, बल्कि वह उसे बहुत ही सुंदर ग्रह बताता है। कुछ अपनी किताबों के अंदर जो पंक्तियां हैं जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बीच बीच में आपको इसकी जो मूल जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों के द्वारा जो भाव बतलाए हैं वो बतला देता हूं। कवि कहता है कि पुराने जमाने के ज्योतिषियों ने पता नहीं क्यों इस ग्रह को अशुभ करार दे दिया। कवि का कहना है कि पुराने जमाने की जो ज्योतिषी है, जो पंडित है, जो विद्वान है, प्रखंड की श्रेणी में आते हैं, वो इस ग्रह को क्यों अशुभ ग्रह की धारणा देते हैं या क्यों अशुभ ग्रह इसको करार दे दिया है, ये बात मेरी समझ से परे है, ये कहना है कवि का। और कवि यहां पर यह भी कहता है कि शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चौं ओर चारों ओर वलय दिखाई देते हैं, वलय का मतलब कंकड़ दिखाई देते हैं। और यह जो ग्रह है पौराणिक कथाओं के अनुसार यह सूर्य का पुत्र है। और ज्योतिषी में इस शनि को सैटर्न कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे कभी यह भी कह रहा है कि शनि जो ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे दिलचस्प उपग्रह है और काफी बड़ा भी। आगे कभी यह भी कह रहा है कि यह जो ग्रह है इस ग्रह के बारे में जो लोगों की भावनाएं हैं, जो विचार है, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में इस ग्रह के प्रति मतभेद है या संकीर्ण विचारधारा हम जिसको कह सकते हैं वो विचारधारा, तो उस विचारधारा को ही दूर करने के लिए, उस संकीर्ण विचारधारा को ही दूर करने के लिए कवि ने इस निबंध को लिखा है। और अपनी वैज्ञानिक सोच को भी क्या किया है, प्रकट किया है। और वैज्ञानिक सोच के द्वारा इस ग्रह के प्रति जो धारणा बनी हुई है उसका भी इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। कवि तो यहाँ पर यही कहना चाहता है कि ये तो सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है जो कि हमें कई बार अच्छे फल प्रदान करता है। कवि कहता है कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग ये क्यों कहते हैं कि आज या अभी मेरे शनि की 7.5 चल रही है, मतलब शनि का प्रकोप चल रहा है, मतलब शनि का भाव या शनि की दशा चल रही है,
वो उस विचारधारा का यहाँ पर खंडन करते हैं। आगे समझ में आपको ये इस बात की मूल भावना है और उस मूल भावना के द्वारा ही कवि अपनी वैज्ञानिक सोच को प्रदर्शित करता है और इसकी जो इस ग्रह के प्रति जो धारणाएं हैं, गलत धारणाएं, उन गलत धारणाओं का खंडन करता है। जब आप इस पाठ को पढ़ोगे तो बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसके बारे में जो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आने लायक है। तो आप अपनी नोटबुक निकालिए, उसमें नोट करें प्रश्न को। प्रश्न है हमारा, शनि सबसे सुंदर ग्रह है। नोट कीजिए, शनि सबसे सुंदर ग्रह है। निबंध का सारांश, निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। अथवा करके एक क्वेश्चन और भी लिख सकते हैं आप, वो क्वेश्चन है मूले जी ने, मूले जी कौन, गुणाकर मूले, मूले जी ने शनि ग्रह की क्या विशेषताएं बतलाई है स्पष्ट कीजिए। क्या विशेषताएं बतलाई है स्पष्ट कीजिए। लिख लिया आपने, तो अब आप उत्तर लिखना प्रारंभ करें। लिखे इसमें कि प्रस्तुत निबंध, प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की, गुणाकर मूल्य की वैज्ञानिक सोच को, वैज्ञानिक सोच को व्यक्त करता है। पूर्ण विराम, शनि सौर मंडल का, शनि सौर मंडल का ऐसा बड़ा ग्रह है, ऐसा बड़ा ग्रह है जो धीरे धीरे चलता है, इसलिए इसे शनिश्चर भी कहते हैं, इसलिए इसे शनिश्चर भी कहा जाता है। लिख लिया आपने, ज्योतिष की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से इस ग्रह को अशुभ माना गया है। ज्योतिष की दृष्टि से इस ग्रह को अशुभ माना गया है और इसका प्रभाव भी अशुभ होता है। आगे बात समझ में, आगे लिखें, इसमें लिखें आप शनि ग्रह की स्थिति। फर्स्ट पॉइंट लिखें शनि ग्रह की स्थिति, इसमें लिखें सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद, बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की, शनि ग्रह की कक्षा है। मतलब सौर मंडल के अंदर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद जो अगला जो भाग है, जो हिस्सा है, जो कक्षा है,
वो शनि ग्रह की है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से 750 गुना बड़ा है। यह हमारी पृथ्वी से 750 गुना बड़ा है। लिख लिया आपने? आगे लिखें, इसके गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है। 116,000 किलोमीटर है, अर्थात यह पृथ्वी से 100 करीब 100 गुना अधिक है। करीब 100 गुना अधिक है। सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी, सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी 143 किलोमीटर है। आगे लिखें, यह पीले चमकीले रंग का होता है। प्राचीन काल के ज्योतिषियों को सूर्य, चंद्र और काल्पनिक राहु केतु के अलावा शनि ग्रह का भी ज्ञान था, जो सबसे अधिक दूर था। लिख लिया? आगे लिखे इसमें, नाम की सार्थकता। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, नाम की सार्थकता। इसमें लिखे, शनि को शनिश्चर भी कहा जाता है। शनिश्चर भी कहा जाता है। लिख लिया? क्योंकि यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता है। क्योंकि यह ग्रह सबसे धीमी गति से चलता है। आगे लिखें, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनिश्चर नाम दिया है। इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनिश्चर नाम दिया है।
नेक्स्ट लिखे अगला जो पॉइंट, पौराणिक कथाओं में शनि का महत्व, पौराणिक कथाओं में शनि का महत्व, इसमें लिखें पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि सूर्य का पुत्र है और भैंसा इनका वाहन है। पाश्चात्य ज्योतिष में शनि को सैटर्न कहते हैं। सैटर्न पाश्चात्य ज्योतिष में शनि को सैटर्न कहते हैं। हमारे भारत देश में शनि को तेल का देवता भी माना जाता है। तेल का देवता भी माना जाता है। आगे लिखें, नेक्स्ट लिखें सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह। नेक्स्ट पॉइंट लिखें सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह, इसमें लिखें शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसमें आगे लिखे पुराने जमाने के ज्योतिषी अपनी कोरी आंखों से इस ग्रह की सुंदरता को पहचान नहीं पाए। कभी यहां पर यह कहना चाहता है कि यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है, लेकिन जो पाश्चात्य ज्योतिषी थे वो केवल इसके प्रभाव को ही जानते थे, लेकिन इसकी जो वास्तविक सुंदरता है उस सुंदरता को पहचान नहीं पाए हैं। आगे लिखें शनि को दूरबीन से देखने पर यह ग्रह बहुत सुंदर दिखाई देता है और इसके चारों ओर वलय ब्रैकेट में कर लेना कंकण दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इस ग्रह के गले में सुंदर हार डाल दिए हैं। इन वलयों के कारण शनि सौ मंडल का
सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह हो गया है। नेक्स्ट है शनि ग्रह की विशेषताएं। शनि ग्रह की विशेषताएं, विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो विशेषताएं हैं, इसकी स्थिति क्या है, कितने दूर है ये पृथ्वी से, वो सारे सब कुछ लिखेंगे इसमें। इसमें लिखे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन में शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से, अत्यंत मंद गति से 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाता है। इसलिए साल भर के अंतर में भी, साल भर के अंतर में भी शनि की स्थिति में कोई भी परिवर्तन, दोबारा बोल देता हूं, इसलिए साल भर के अंतर में शनि की स्थिति में कोई भी अंतर दिखलाई नहीं देता। आगे बात समझे, मतलब ये जब सूर्य का चक्कर लगाता है उसमें बहुत धीमी गति से चलता है, कि एक चक्कर जो है वो 30 वर्षों में लगाता है, उसकी जो स्थिति है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा लिखे शनि एक राशि में तकरीबन 2.5 साल तक रहता है, तकरीबन 2.5 साल तक रहता है। आगे लिखे नेक्स्ट, शनि अत्यंत ठंडा ग्रह है, उसके वायुमंडल का तापमान 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। नेक्स्ट लिखें, शनि ग्रह पर वायुमंडल में भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन आदि गैसें पाई जाती है। नेक्स्ट लिखें, शनि के अब तक 17 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं। इसी में लिखें, शनि ग्रह पर मनुष्य का उतरना या उतर पाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। आगे लिखें, शनि की सतह पर तो अंतरिक्ष यान को उतारना असंभव सा कार्य है, लेकिन टाइटन की सतह पर, टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है।
क्योंकि शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखे हैं आगे निष्कर्ष रूप में। इस प्रकार लेखक के अनुसार शनि हमारे सौर मंडल का सबसे अद्भुत और सुंदर ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ और अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। मतलब कभी ये कह रहा है कि कोई भौतिक कारण नहीं कि इस ग्रह को शुभ माना जाए या इस ग्रह को अशुभ माना जाए, इसका कोई भौतिक कारण नहीं है, ये केवल हमारी ही विचारधाराएं हैं। शनि हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है और भारतीय दृष्टिकोण में इसे तेल के देवता के रूप में पूजा जाता है और इस ग्रह को अशुभ माना जाता है क्योंकि यह भारतीयों की संकीर्ण विचारधारा को या संकीर्ण विचारधारा में स्थायी हो गया है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि शनि सौर मंडल का एक अच्छा ग्रह है और इसकी चाल भी इसकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। आ गया आपको समझ में? तो ये हुआ हमारा शनि सबसे सुंदर ग्रह का एक क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि प्रस्तुत प्रश्न के अंदर या प्रस्तुत जो पाठ है शनि सबसे सुंदर ग्रह उसमें शनि की विशेषताएं बतलाइए, या तो ये पूछा जाएगा या गुणाकार मूल्य का निबंध शनि सबसे सुंदर ग्रह में कभी मेरे क्या विचार प्रस्तुत किए हैं उसको स्पष्ट कीजिए। तो यही आपसे पूछा जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक ही है, आपको उसमें सार लिखना है और उसकी विशेषताएं लिखनी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों की मूल भावना एक ही है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप वापस अपनी पाठ्य पुस्तक में इस क्वेश्चन को पढ़ें और साथ में जो आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दी हुई है उसको भी पढ़ें ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसी के साथ हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर एकदम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अपनी जो पढ़ाई है वो बिना रुके हुए अनवरत रूप से आपकी आगे बढ़ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।